उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनाया गया इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन। सामने सटते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं। जी, आज हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस हम सब महानगर के चौधरी असलम मियाँ जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं उनके तत्वाधान में हम यहाँ पे मना रहे हैं। हम सब यहाँ पुष्पांजलि जला के उनको याद कर रहे हैं और उनकी नीतियों को, उनकी बातों को याद कर रहे हैं। उन्हें लौ महिला यूं ही नहीं कहा गया था, बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। अपने विचार वो स्वयं रखती थी और उन्हें शायद किसी को भी अपने विचार रखने में साझा करने की या किसी से वो गाइड नहीं होती थी, इसीलिए शायद उन्हें हम लौ महिला कहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ बातें, कुछ उनकी खास बातें थी, उसमें से एक उन्होंने विचार रखा था कि लोगों को, यहाँ की जनता को अपने अधिकार तो याद रहते हैं, अपने अधिकार याद रहते हैं लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। शायद इस बात को अगर हम मंथन करें तो आज शायद बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो कहीं हम इन लोगों को याद रखकर इनके विचारों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और खास तौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनकी नीतियों, उनके विचारों पे हम याद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न, लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज जन्मदिन है। 102वां जन्मदिन है। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में हम लोग सब उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं और उन्हें याद करने आए हैं। उनके जो विचार, जो उनकी नीतियां, जो उनकी कार्य योजना थी, उन पर हम चर्चा करने के लिए आज यहां सब इकट्ठे हुए हैं। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री की बेटी, इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब शासन काल में इस दुनिया के तमाम बड़े बड़े शक्तिशाली देश उनकी ताकत का लोहा मानते थे और इसलिए उन्हें लौ महिला कहा गया। इस उनके रहते हुए चीन, जापान, रूस, अमेरिका जैसे लोग, जो देश हैं, वो कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए उनके समय में। और उन्हीं का एक नेतृत्व में हमने 90,000 सैनिक पाकिस्तान के हिंदुस्तान ला के बंद किए और बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोनों को अलग करके एक इतिहास बनाने का काम हमने किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। आज हमें बड़ा गर्व है कि इस देश की प्रधानमंत्री रहते हुए, इस देश की प्रधानमंत्री की बेटी रहते हुए आज उनके नाम में एक भी संपत्ति पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि गांधी परिवार से ज्यादा ईमानदार, निष्ठावान, तपस्वी और त्यागी कोई परिवार हिंदुस्तान में दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए हमें बड़े गर्व के साथ अपने नेता का, आदर्शों पर चलने का हमने संकल्प लिया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की ईमानदारी और निष्ठा के पदचिन्हों पर हम चलते हुए इस देश के विकास के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, आतंकवाद से लड़ने का जो उन्होंने संकल्प हमें दिलाया है, जो अपने प्राणों की आहुति, अपनी दौलत, अपनी संपत्ति की जो आहुति इस देश में दी है, तो उसी संकल्प पर चलते हुए हम लोग आज कांग्रेस के लोग इस देश का विकास करने के लिए रास्ते पर निकल पड़े।